सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आज मैं बनाने वाली हूँ आलू पराठा। सो अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ उसका प्रोसेस। सो गाइस सबसे पहले तो मैंने बर्तन लिया है और नॉर्मल वाटर, देन फिर नमक, देन फिर मैंने लिया है आटा, आशीर्वाद आटा। ये मैंने ऑलरेडी उस दिन थोड़ा सा रोटी बनाने में यूज़ किया था, सो यही मैं यूज़ करने वाली हूँ आलू पराठा में भी। तो अभी शुरू करते हैं आलू पराठा बनाने का प्रोसेस। सबसे पहले मैं आटा लूँगी। सो आटा को बर्तन में आलू नहीं पका जब तक मैं, मेरा पास मच्छी है ये क्लीन करके रख देती हूँ। एक छोटा छोटा मच्छी गांव में मिलता है, तो यहाँ पे वो काफ़ी महंगा में खरीदना पड़ता है, तो फिर भी खाने का मन होता है तो खरीद लेते हैं महंगा होने से भी। तो फिलहाल इसका भी क्लीन करके रखती हूँ, तब तक मैं मेरा आलू बॉल हो रहा है। तो गाइस मच्छी भी क्लीन हो चुका है और क्लीन करके मैंने यहाँ पे नमक, चिली पाउडर, हल्दी और पीस मसाला डाल दिया है। अभी इसको भी मैं अभी फ्रिज में थोड़ा टाइम के लिए रख दूँगी, बाद में फ्राई करूँगी। तब मैं आलू का पराठा बना लेती हूँ। मैंने यहाँ पे मिक्स कर दिया है जो मैंने आलू बॉईल किया था, और ऑनियन एंड चिली, देन ऑनियन धनिया और गार्लिक एंड जिंजर, सो मैंने सबको मिक्स करके यहाँ पे डाल दिया है। सबसे पहले तो ये मैंने ये बॉल बना के इसको मैंने थोड़ा सा लेगा। फिर मैंने यहाँ पे सब्जी डाल दिया है जो मैंने चटनी बनाया था, वो सब डाल दिए हैं, तो इसको अभी कवर करूँगी। तो मैंने ये कवर कर दिया है पूरा, तो उसका भी मैं धीरे धीरे बेलूँगी ताकि मेरा आलू बाहर ना जाए। ये गाइस मैंने इतना साइज में बना दिया है इसको। फिर यहाँ पे मैंने गैस में तवा को गरम करने के लिए रख दिया है। शायद मेरा तवा गरम हो चुका है, सो अभी मैं यहाँ पे रोटी डाल दूँगी। दूसरा तो घी से बनाता है, बट मैं घी इतना पसंद नहीं, इसलिए मैं ऑयल से बनाऊँगी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल दूँ। आलू पराठा के साथ खाने के लिए यहाँ पे ग्रीन चिली और दो टमाटर एंड नमक डाल दिया है ग्राइंडर में। अभी इसको ग्राइंड करूँगी, चटनी बनाऊँगी इसका। देखिए गाइस मेरा चटनी बन चुका है। ये ग्रीन इसके लिए हुआ है कि मैं चिली ग्रीन डाल दिया है, तो टमाटर रेड टमाटर का पूरा ऑब्जर्व कर लिया है वो, तो इसलिए ग्रीन हो गया है। फ्रेश होके आ गया है, अभी खाऊंगी आलू का पराठा। ये देखिए गाइस मेरा आलू का पराठा विद चटनी।
भी ट्राई कीजिएगा इसे घर पे। बाहर से खरीद के खाने से अच्छा घर पे बना के खाएंगे तो ज़्यादा।